अगर मैं इसे बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर हम थे और यहाँ पर हम आ गए। सिंपली मैंने एक लट जो किसी और फाइल पे बनाई थी। नमस्कार, मेरा नाम है निर्देशक राव और आप देख रहे हैं दृष्टिकोण प्रोडक्शंस। सबका फेवरेट टॉपिक लट्स। लट्स क्या होती हैं, उनका यूज़ क्या है, आप इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, सब कुछ लट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ज़्यादा समय लिए बिना चलिए चलते हैं डाविंची रिजॉल्व में। हर बार की तरह शुरू करने से पहले क्विकली आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम पर /निर्देशक राव पे जाके मेरा इंस्टा पेज है, इसको आप फॉलो कर लीजिए। पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ यहाँ पर मैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल वगैरह मत कीजिएगा, ओनली मैसेजेस आर अलाउड। तो मैसेज में आपने कुछ भी पूछना हो मुझसे डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं देख के आपको रिस्पॉन्स दूंगा। ट्विटर पर /निर्देशक राव पे जाकर के मेरा ट्विटर हैंडल है, इसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन यहीं आती है नेक्स्ट क्लास जब भी आने वाली हो। यूट्यूब पर भी /निर्देशक राव पे जाकर मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर फ्री स्टॉक फुटेज वगैरह डली हुई हैं। इस कलर ग्रेडिंग सीरीज में भी जो यूज़ की थी मैंने, वो आपको यहाँ पर शेयर की हुई है, तो आप इन्हें डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लॉग्स वगैरह आते रहते हैं और आगे कंटेंट बहुत आने वाला है, तो डू सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब। और फाइनली मेरा फेसबुक पेज है /निर्देशक राव, इस पर भी जाकर के आप लाइक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डाविंची रिजॉल्व में। तो आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लट्स के बारे में। अब लट्स होती क्या है, LUT, सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। लट्स होती है लुक अप टेबल, LUT, लुक अप टेबल। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली हमारे पास जो है एक इमेज के अंदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं, वो या तो ल्यूमिनेंस वैल्यू है या फिर कलर वैल्यूज़ हैं, RGB, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये बातें आपको, या तो उसके अंदर लाइट का डेटा है कि कितनी वो ब्राइट है, कितनी डार्क है, या फिर उसके अंदर कलर का डेटा है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हर पिक्सल की अलग अलग होती है, हर पिक्सल की RGB वैल्यू अलग रहेगी और ल्यूमिनेंस वैल्यू अलग रहेगी, राइट। अब अगर हम कोई भी यहाँ पर क्रिएटिव काम करते हैं, कलर ग्रेड बनाते हैं, तो हम बेसिकली किसी एक कलर को दूसरे कलर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, किसी एक ल्यूमिनेंस वैल्यू को दूसरी ल्यूमिनेंस वैल्यू में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। उस सारे डेटा को अगर हम एक टेबल के अंदर नोट कर लें, जैसे कि ये कलर है, मान लीजिए ये थोड़ा ऑरेंज कलर है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, और ये जो डेटा है कि ये ऑरेंज कलर अब ग्रीन बन गया, इसको हम सेव कर लें एक टेबल के अंदर, और ऐसी हर एक पिक्सल के लिए जो कलर इन्फॉर्मेशन है उसको सेव करते जाए टेबल के अंदर, फिर क्या होगा कि ये इन्फॉर्मेशन हम किसी और वीडियो के ऊपर भी, किसी और क्लिप के ऊपर भी डाल सकते हैं, और वहाँ पर ये टेबल से जो है इस इन्फॉर्मेशन को वो क्लिप रीड कर लेगी, और जो टेबल हम बनाते हैं इस चीज़ के लिए उसको बोलते हैं लुकअप टेबल। थोड़ा सा शायद कन्फ्यूजिंग लग रहा हो ये अभी, बट थोड़ा आपको और धीरे धीरे मैं बताऊँगा तो डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले तो ये कि लुकअप टेबल हमारा जो है होते कहाँ पर हैं। यहाँ पर टॉप पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर LUTS लिखा हुआ है, तो ये हमारी लट्स यहाँ पर हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारी लट्स नज़र आ जाएंगी। ये कुछ इसके अंदर ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट पड़ी होंगी, SAR ऐसे बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं। इनमें से किसी को भी आप उठा के यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं अपनी फुटेज के ऊपर, तो लट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अब इस लट से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, अगर मैं ऑन ऑफ करूँ तो ये ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। इसे मैं रीसेट करता हूँ, कोई और अभी मैं वैसे दिखाने के लिए सिर्फ आपको लट डाल देता हूँ यहाँ पर। जैसे इससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं इसे ड्रैग ड्रॉप करता हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्ट्रास्टी हो गई है इमेज थोड़ी, ठीक है। तो ये जो है ये सही तरीका नहीं है वैसे लट्स के साथ काम करने का। रीज़न बीइंग, अगर आपने देखा होता है हम ब्लैक मैजिक डिज़ाइन के फोल्डर के अंदर गया मैं, तो ये ब्लैक मैजिक कैमराज़ के ऊपर जो है ये लट्स उनके लिए बनी हुई हैं, राइट। और इसी तरह से DJI के लिए भी बनी हुई हैं यहाँ पर। तो अगर मेरे पास ये ड्रोन फुटेज होती DJI की, तो मैं कुछ लट्स यहाँ से लगा सकता था। हर एक कैमरा के हिसाब से और उस कैमरा के अंदर भी डिफरेंट कैमरा प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग लट्स आपको बनी मिलेंगी। यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं सोनी लिखा हुआ है, तो सोनी की भी यहाँ पर जो है कुछ डिफ़ॉल्ट हैं, S-Log की बनी हुई है, S-Log 3, S-Log 2 की लट्स बनी हुई हैं। और लट्स को एक्सेस करने के लिए सिर्फ ये पैनल की बजाय अगर आप डायरेक्टली नोड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको लट की ऑप्शन मिलेगी, उसके अंदर भी यही सारी लट्स जो हम यहाँ पर देख रहे थे इस जगह पर वो यहाँ भी नज़र आ जाएंगी, राइट। तो मैं अगर यहाँ पर लट पर जाता हूँ तो नीचे सोनी S-Log 2 REC 709, S-Log 3 REC 709, ये अगर आप सोनी यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली यहाँ सर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं लट लगाता हूँ तो यहाँ पर एक देख रहे हैं आइकन टाइप का बना हुआ जाता है ये लट का, मैं क्लिप्स को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा ताकि वो क्लियरली विजिबल हो जाए, राइट। तो इससे पता लग रहा है कि आपका लुकअप चार्ट यहाँ पर, लुकअप टेबल आपका लगा हुआ है। इसको मैं अगर रीसेट करता हूँ तो देख रहे हैं वो चीज़ यहाँ से चलेगी थंबनेल के अंदर से। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्यूब टाइप का बना हुआ आ जाता है, वो बेसिकली बताता है कि यहाँ पर लट अप्लाइड है। जैसे मैं इसको ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर,
तो देख रहे हैं ये बॉक्स बना हुआ आ गया, छोटा क्यूब सा बना हुआ आ गया, तो मतलब लट अप्लाई हो चुकी है। अब मैं इसे फिर से रीसेट कर देता हूँ। तो ये तो आपने देख लिया कि लट्स को एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट लट्स ये सारी पड़ी हुई हैं। अब अगर आपको कुछ कस्टम लट्स अपनी लेकर के आनी हो, बाहर से आपने इंपोर्ट करनी हो, तो कैसे होगा? उसके लिए मैं वर्कस्पेस में जाकर के एक बार पेज नेविगेशन ऑन कर लेता हूँ। मैं नीचे ऑफ़ किया हुआ था ताकि थोड़ा आपको स्क्रीन स्पेस बेटर दिख जाए। तो यह पेज नेविगेशन पे ही नीचे ये जो कॉगव्हील बना हुआ है गियर का आइकन, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर सेटिंग में हमें थोड़ा सा नीचे यहाँ पर कलर मैनेजमेंट है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इधर देख रहे हैं लुकअप टेबल्स लिखा हुआ है। तो लुकअप टेबल्स मैंने आपको बताया है, लट्स आपकी यहाँ पर हैं तो ये सब आपको लट्स की जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर देख रहे हैं नीचे बटन है ओपन लट्स फोल्डर, तो ओपन लट फोल्डर को आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सिस्टम के अंदर जहाँ पर रिजॉल्व की लट्स पड़ी हुई हैं उस जगह पर ले जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी लट्स पड़ी हुई हैं, राइट। तो अगर आपको कोई नई लट इम्पोर्ट करनी है तो यहाँ पर आप एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई नया फोल्डर बना देता हूँ, टेस्ट नाम का मैंने फोल्डर बना दिया। और नई लट के लिए मैं ये भी सोनी एसलॉग वाली ही यहाँ पर टेस्ट के फोल्डर में डाल देता हूँ। आप बेसिकली कोई और लट लेके आते हैं तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं, तो मैंने ये इसके अंदर डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं वापस से आता हूँ अपने यहाँ पर और इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ भी यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर वो टेस्ट नाम का फोल्डर नहीं आया है। उसके लिए क्या करना है कि मैं इस गियर आइकन पे जाता हूँ और जब आप नया फोल्डर डाल दें वहाँ पर तो ये अपडेट लिस्ट जो है इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे मैं अपडेट लिस्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर कुछ हुआ और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टेस्ट नाम का फोल्डर आ गया और उसके अंदर ये एसलॉग 2 Rec 709 वाली लट मेरी आ गई और उसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि कैसे हम लट्स को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं इधर से भी और राइट क्लिक करके यहाँ से भी, और कैसे हम जो है फोल्डर बना सकते हैं खुद, नई लट इंपोर्ट वगैरह करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम अपनी खुद की लट कैसे बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको फिर से अपडेट लिस्ट कर देता हूँ, सेव। ये जो फुटेज है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बेसिकली रेड कैमरा की फुटेज है और ये आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं रेड की वेबसाइट से। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ से मैंने की है, ये रेड वन पुराने कैमरा की फुटेज है 416 MB की है। तो आप रेड की वेबसाइट पर जाएंगे, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसको पर्सनल यूज़ में बेसिकली एडिटिंग के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, बट आपने टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लॉगिन आपको करना पड़ेगा और ये फुटेज आप डाउनलोड कर लेंगे 4K में। अब मैं रेड की फुटेज किस लिए लेके आऊँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि आप जो सिर्फ नॉर्मल फुटेज के ऊपर काम कर रहे हो। उसका रीज़न वैसे तो ये था कि देखिए नॉर्मली हम 8-bit फुटेज ही यूज़ कर रहे होते हैं सब लोग, इसलिए मैं बताना चाहता था कि 8-bit पे ही कैसे आप ग्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की फुटेज पे ग्रेडिंग करना इनफैक्ट ईजियर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ज़्यादा हमारे पास डिटेल होती है, बिट डेप्थ ज़्यादा होती है। बट आज लट समझाने के लिए ये ज़्यादा रेलेवेंट है, अगेन बिकॉज बिट डेप्थ ज़्यादा है। फिलहाल ये फुटेज जिस तरह से हमारे पास है, ये अभी जो दिखाई दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट रेड की फुटेज को आप इंपोर्ट करेंगे तो इस तरह की नज़र आएगी आपको। ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक रेंज अभी नहीं दिखा रही, ये ऑटोमेटिकली जो है एक बड़ा बेस्ट वर्जन सा बना के अपने आप दिखा देती है। तो अगर आपको याद हो मैंने शुरुआत में आपको कभी दिखाया था कि ये जो फर्स्ट नंबर पे कैमरा रॉ, इस पे हमने क्लिक किया था और सब कुछ ग्रेड आउट था, क्योंकि हम 8-bit फुटेज पे काम कर रहे थे, उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास कुछ भी छेड़ने की ऑप्शन नहीं थी। बट ये रॉ फुटेज है, रेड कैमरा से आई है, तो हम कुछ सेटिंग यहाँ पर छेड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कुछ चेंजेस। यहाँ पर प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर चेंज करके कर देता हूँ क्लिप। अभी जैसे जैसे मैं यहाँ चेंज करूँगा तो आप नोटिस करना कि इमेज के अंदर क्या फ़र्क आ रहा है। वर्कस्पेस को मैं फिर से पेज नेविगेशन ऑफ कर देता हूँ, राइट। तो फिलहाल मैंने सिर्फ इसको क्लिप पे किया। नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा यहाँ पर जो है इसको मैं लेगेसी से हटा करके IPP2 पे कर देता हूँ, कलर साइंस जो है इसकी, ठीक है। थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी डायनेमिक रेंज बढ़ गई है, थोड़ी इमेज खुल गई है। उसके बाद कलर स्पेस Rec 709 पे ही मैं रखूँगा और गामा कर्व जो है इसको मैं करूँगा log 3G10। तो जैसे ही मैं log 3G10 करूँगा देखिएगा स्क्रीन पर क्या होता है। ये देख रहे हैं कितनी ज़्यादा ये डल हो गई है इमेज। तो बेसिकली ये एक्चुअली रॉ इमेज ऐसी है, इतनी ज़्यादा डायनेमिक रेंज आपके पास है, इतनी फेडेड है ये। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत जिनको नॉलेज है ऑलरेडी वो समझते हैं अभी तक तो कि जितनी ज़्यादा फेडेड आपकी होगी यहाँ पर इमेज बेसिकली उतना ज़्यादा डिटेल उसके अंदर होगी। तो यहाँ पर जो ब्राइटेस्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल वाइट नहीं है और जो डार्केस्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल ब्लैक नहीं है, पूरी इमेज के अंदर बहुत इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो ये हमारे पास है अवेलेबल कंटेंट, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं आगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं। अब हमारा यहाँ पर आप वेव फॉर्म देख पा रहे हैं, वेव फॉर्म जो है इतना ऊपर खाली पड़ा है, इतना नीचे खाली पड़ा है। इसको मैं यहाँ पर अब अपनी मर्ज़ी से लिफ्ट को मैं नीचे कर लेता हूँ और गेन को मैं बढ़ाता हूँ। तो देख रहे हैं आप कितनी मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर खेलने की। तो यहाँ पर मैंने इसको इतना बढ़ा लिया,
ये बेसिकली मैंने अभी पहली जो नोड है इसके ऊपर सिर्फ इतना काम किया है। थोड़ा मैं इसमें कलर बूस्ट कर देता हूँ, बेसिकली 65 में आगे से करता हूँ। तो एक नोड के अंदर मैंने इधर से यहाँ तक इस इमेज को लेके आया हूँ। अब मैं एक और नोड बनाता हूँ, इस नोड पे मैं कलर का काम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे, आपको सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ है। अब यहाँ पे आकर के मैं इस एरिया को बेसिकली थोड़ा टील की तरफ ले जाना चाहता हूँ, राइट। और ये वॉर्म में, बाकी सब वॉर्म के अंदर ही रखना चाहता हूँ मैं। थोड़ा सा वॉर्पर से मैं काम करता हूँ, एक थोड़ी सी मैं हाईली स्टाइलाइज सी लुक बनाने लगा हूँ यहाँ पर। तो काइंड ऑफ टील एंड ऑरेंज टाइप की लुक मैं यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। सो बिफोर आफ्टर तो इसको मैंने थोड़ा सा टील एंड ऑरेंजी लुक यहाँ पर दे दी है, राइट। इतनी चीज़ मेरी हो गई है, अब मैं इसमें ज़्यादा और चेंजेस नहीं करने वाला। थोड़ा सा इसको और एक्सट्रीम कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी और बेटर तरीके से इसमें डिफरेंस नज़र आ जाए। बाकी मुझे पता नहीं YouTube कंप्रेशन कितना अलाउ कर रहा होगा, इसको किस तरह की बाहर निकल करके आ रही होगी, बट देर इट इज़। थोड़ा सा मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा इसको थोड़ा डार्क में करूँगा, बहुत हल्का सा, ठीक है। तो बिफोर आफ्टर ये थोड़ा इस टाइप का मैंने टील एंड ऑरेंज टाइप का लुक यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। और मैं इसको जो है कर लेता हूँ अब सेव। सेव करने के लिए मुझे क्या करना है, अगर आपको LUT एक्सपोर्ट करनी है तो उसके दो तीन तरीके हैं। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके ग्रैब स्टिल करता हूँ। जैसे मैंने ग्रैब स्टिल किया तो यहाँ पर मुझे अपनी गैलरी में जाना पड़ेगा। इधर जो है आपको याद होगा जैसे हम स्टिल्स ग्रैब कर रहे थे, तो यहाँ पर ये स्टिल यहाँ पर बन करके आ गया है, ठीक है। एक बार मैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली चीज़ समझ में आ जाए। तो ये हमारा ग्रेड था, राइट क्लिक ग्रैब स्टिल, यहाँ पर हमारा स्टिल बन के आ गया। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, इधर करता हूँ एक्सपोर्ट, और यहाँ पर एक फोल्डर बनाया मैंने डेस्कटॉप पे टेस्ट लट नाम का। यहाँ पर मैं टेस्ट नाम से इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं अब ये DPX फाइल सेव हो रही है, ना कि कोई और लट फाइल, कोई और फॉर्मेट लट वाला सेव नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से जब आप सेव करते हैं तो DPX ही सेव होती है, और इसके अंदर आपका पूरा जो है नोड चार्ट के साथ सब कुछ सेव हो जाता है, ठीक है। अब इनफैक्ट मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं रीसेट नोड ग्रेड कर देता हूँ। अब मेरा जो फोल्डर मैंने बनाया था उसमें ये फाइल पड़ी हुई है, ये दो फाइलें बन करके आ जाती हैं, तो मैं इनमें से डिलीट एक को भी मत करना, दोनों के अंदर डेटा है। एक को मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पर अपना स्टिल्स के अंदर, यहाँ पर ही आ गया। राइट क्लिक करता हूँ, अप्लाई ग्रेड, तो देख रहे हैं ये नोड भी मेरे दोनों बने हुए आ गए यहाँ पर। अब ये तो बढ़िया हो गया कि चलो मेरे पास पूरा नोड ट्री आ रहा है, बट ये DPX फाइल सिर्फ आपके रिजॉल्व के अंदर ही काम करेगी। अगर आपको प्रीमियर प्रो के अंदर इसको लेके जाना है तो प्रीमियर प्रो में तो नोड बेस्ड है नहीं, ठीक है ना, किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर आपको लगाना है तो नोड बेस्ड तो नहीं है वो। तो वहाँ पर काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, LUT एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। अब LUT कैसे एक्सपोर्ट होती है आपको क्विकली बता देता हूँ। यहाँ पर आप क्लिप्स पे जाइए, और क्लिप्स जैसी ऑन हो जाएंगी इस पे जिस क्लिप की आपको बेसिकली ये जो कलर इन्फॉर्मेशन है ये LUT में एक्सपोर्ट करनी है, तो उस क्लिप के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और जनरेट LUT का यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें जाएंगे तो ये तीन चार ऑप्शन लिखी हुई हैं। पैनासोनिक वाली को इग्नोर कर दीजिए, 17, 33 और 65, ये तीन हम यूज़ करते हैं। ये तीनों बेसिकली 3D LUTs हैं आपकी। अब 3D LUTs भी होती हैं और 1D LUTs भी होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। 1D LUTs बेसिकली सिंपल RGB वैल्यू ऑफ एनी पिक्सल, जो कि एक ही सिंपल टेबल के अंदर होती है, उसके अंदर डिटेल आप ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकते। बट 3D LUTs के अंदर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने जो कलर वॉरपर किया था उसमें यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ग्रिड हमने देखी थी। मैंने आपको समझाया था कि ये 3D क्यूब की रिप्रेजेंटेशन है 2D फॉर्मेट के अंदर। नीचे अगर आप देखें तो छोटा सा क्यूब बना हुआ है, तो बेसिकली एक 3D कलर स्पेस है हमारा पूरा एक क्यूबिकल फॉर्म में, उसमें सारे कलर्स हैं। अगर एक्सिस एंगल को हम यहाँ घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से 3D रोटेशन जो यहाँ पर हो रही है। तो बेसिकली हर कलर वैल्यू जो है वो 3D स्पेस के अंदर कहीं पर एक क्यूब के अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये स्क्वेयर नहीं है, ये बेसिकली एक क्यूबिकल अरेंजमेंट के अंदर पॉइंट है। तो अगर मैं इस पॉइंट को उठा करके क्यूब में किसी और जगह पर ले जाता हूँ
कलर मैप कर देता हूँ उसको, बेसिकली इस पॉइंट को उठा करके किसी और, यानी कि मान लीजिए ब्लू कलर को उठा करके मैं किसी और जगह ले जाता हूँ, तो वो जो मेरी इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है कि इस पॉइंट के साथ मुझे ये करना है, वो स्टोर करने के लिए 3D LUTs हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 3D स्पेस के अंदर ये चीज़ हो रही है, राइट। तो मैंने इसको वापस रीसेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली राइट क्लिक करेंगे और जनरेट LUT पे जा करके इनमें से हमें करना है। अब 17, 33 और 65 इनमें क्या फ़र्क है, बेसिकली यहाँ पर हम क्यूब के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, राइट। अब वो सारे के सारे पॉइंट्स को तो हम मैप करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी और बहुत हैवी सब कुछ हो जाएगा। तो उसको एक सिंप्लीफाइड वे के अंदर हम करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर 33 पॉइंट, 65 पॉइंट, 17 पॉइंट, यानी कि टोटल को अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि ये 12 और इस तरह से मैं यहाँ पर आपको बढ़ा के दिखाया था, तो इस तरह का क्यूब ले जाने की बजाय मैं इसको जो है सिंपल कर देता हूँ, मान लीजिए 8 वाला कर देता हूँ, तो थोड़ा सा ये जो है LUT हैवी नहीं बनेगी और प्रोसेस कर पाएगा सिस्टम उसको। तो 17 पॉइंट वाली सबसे हल्की LUT होगी, 33 पॉइंट्स वाली थोड़ी और डिटेल होगी उसके अंदर, थोड़ी हैवी होगी, 65 पॉइंट्स वाली काफ़ी हैवी होगी बाकियों से, उसके अंदर सबसे ज़्यादा डिटेल होगी। तो ये कहाँ कहाँ काम करते हैं, 17 पॉइंट वाली बेसिकली आपकी नॉर्मल 8 बिट फुटेज पे ये काम कर जाएगी, और जो 65 पॉइंट वाली है ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगी रेड फुटेज टाइप की वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि उसके अंदर उतनी डिटेल है, पिक्सल वैल्यू उतनी है कि वो इस सब डेटा को जो है प्रोसेस कर पाए। अगर आपके पास 65 पॉइंट क्यूब आप लगा रहे हैं और आपकी इमेज के अंदर है ही नहीं उतना डेटा, तो डेफिनेटली वो काम तो करेगी, फिर भी बहुत अच्छा काम करेगी, बट उसकी रेलेवेंस उतनी नहीं है, आपका काम 33 से भी चल सकता है। तो नॉर्मली 33 बड़ा ही सही पॉइंट होता है, उसका रीज़न ये भी है कि जैसे अगर आप नॉर्मली शोगन वगैरह जैसा मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली उसके अंदर आप LUT इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास ब्लैक मैजिक कैमरा है जिसके अंदर डायरेक्टली LUT इंपोर्ट कर सकते हैं आप, और कैमरा के अंदर ही या अपने मॉनिटर के अंदर ही आप देख सकते हैं कि LUT लगने के बाद आपकी आउटपुट कैसे आने वाली है, उस तरह से अगर आप काम कर रहे हैं तो 33 पॉइंट्स वाली LUT जो है वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा काम करती है मॉनिटर्स के अंदर, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड ये इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख भी रहे हो कि आगे क्यूब क्यूब लिखा हुआ है, उसका रीज़न ये क्योंकि मैंने आपको बताया 3D क्यूब के फॉर्मेट के अंदर ये सारा कलर इन्फॉर्मेशन हमारी सेव रहती है। अब मैं आपको तीनों की तीनों एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा, पहले 17 पे हम क्लिक करते हैं, और ये मैंने एक फोल्डर बनाया अपनी LUTs के अंदर क्लास LUTs वाला, तो यहाँ पर मैं इसका नाम कर देता हूँ टील A17 सेव, जनरेट LUT 33 पॉइंट के ऊपर भी क्लिक करता हूँ टील A33 और जनरेट LUT 65 पॉइंट के ऊपर भी करता हूँ टील A65। तो मैंने तीनों वर्जन जो है सेव कर रहा हूँ, देख रहे हैं अभी डॉट क्यूब सेव हो रही है फाइल अगेन, अब आपको पता रहेगा कि ये क्यूब क्यों है यहाँ पर, तो सेव कर देते हैं इसको। अब मैंने तीन ये वर्जन सेव कर लिए हैं यहाँ पर, राइट। अब मैं इन्हीं LUTs को वापस इंपोर्ट करना है मुझे, बेसिकली मैं एक बार वापस से एडिट पेज के अंदर आऊँगा, और जो मेरी ये फुटेज है इस फुटेज की मैं तीन कट कर लेता हूँ इसके अंदर ना, बेसिकली कंट्रोल बी। तो ये बेसिकली मैंने तीन यहाँ पर सेक्शन शुरू में बना लिए और एक फोर, चार सेक्शन मैंने बना लिए, उसका रीज़न आपको बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरे पास चार क्लिप्स बन के आ गई हैं, लास्ट वाली को मैं जो मैंने बनाया था अभी जो काम किया था ऐसे कैसे छोड़ देता हूँ, और इससे पहले वाली जो तीन हैं उनको मैं रीसेट कर देता हूँ, उनके ऊपर से हटा देता हूँ ये चीज़ें। तो ये तीनों मेरे पास जो हैं सिंपली रॉ फुटेज हैं, और फोर्थ वन पे मैंने काम किया हुआ है। अब फर्स्ट पे मैं डालूंगा 17 वाली LUT जो है, तो LUTs के लिए अगेन मैं यहाँ पर LUTs पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर क्लास LUTs मेरी पड़ी हुई हैं, ये मैंने ऑलरेडी अपडेट किया था फोल्डर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तीनों की प्रीव्यू यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब ये 65 है, ये 17 है, 33 यहाँ पर नंबर में लिखा हुआ है, मैंने नाम सेव किया था। तो फर्स्ट पे मैं डाल देता हूँ 17, सेकंड पे मैं डाल देता हूँ 33, और थर्ड पे मैं डाल देता हूँ 65। तो अगर तीनों को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको तो एग्जैक्टली वही ऑलमोस्ट काम हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस आया ओरिजिनल से, थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा LUT के अंदर जितनी वो इन्फॉर्मेशन। LUT क्या करता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जिसको लेके जाता है, ठीक है। तो जो इसको कलर वैल्यूज यहाँ पर ए पे नज़र आई उसको वहाँ पर बी पर लेके जाना है, वो इसने इस तरह से जज किया और इस तरह का आउटपुट आ गया। तो थोड़ा बहुत फ़र्क यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन इवन ज़्यादा फ़र्क आपको कब नज़र आएगा, क्योंकि आपस में तो इनमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा इन तीनों में, ठीक है। थोड़ा मेन से आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, बट आपस में भी इनमें डिफरेंस रहेगा, वो आपको दिखाता हूँ। अब मैं जूम इन करता हूँ बिल्कुल यहाँ पर,
इस एरिया पर जैसे हम आ गए तो ये 17 वाली है। अगर मैं यहीं पर इसी जूम्ड इन वर्जन में 65 वाली पे जाता हूँ तो आप देख रहे हैं। अब मुझे पता नहीं YouTube कंप्रेशन इसको कितना दिखा रहा है कितना नहीं, बट यहाँ पर एक मेजर आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। 17 वाली के अंदर जो कुछ एरियाज़ हैं उसके अंदर ये टिंट जो है अभी भी यहाँ पर जो है टील टिंट ज़्यादा है, और 65 वाली के अंदर कुछ कलर ज़्यादा इंटैक्ट हैं, राइट। थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि ये वाम एरियाज़ के अंदर भी टील आ रहा है जो 17 पॉइंट्स वाली थी, और 65 पॉइंट्स वाली में वाम एरियाज़ इंटैक्ट हैं, वाम के वाम हैं। तो थोड़ा सा बेटर और क्लीनर है 65 वाली ग्रिड। और अगर आप जाते हैं इन बिटवीन जैसे कि 33 वाली, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये 17 वाली तो है ज़्यादा कूल की तरफ, 65 वाली में थोड़े कलर इंटैक्ट हैं, 33 वाली जो है ऑलमोस्ट 65 वाली के पास जाती है। तो 33 इज़ वेरी सेफ, अच्छी क्वालिटी भी आपको मिल जाएगी और बहुत ओवर इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी, राइट। तो इस तरीके से आप ये लट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, ये आप प्रीमियर प्रो में भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम अभी करेंगे इसके बाद। फिलहाल मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। अब मेरे पास रेड की एक और फुटेज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आप जो है, मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर रेड की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, लॉगिन करना पड़ेगा। अराउंड 1 GB के आसपास की ये फुटेज होगी, ये 8K फुटेज है, मोन्स्ट्रो 8K की। तो आप इसके साथ भी प्रैक्टिस करने के लिए बड़ी अच्छी ये ऑप्शन है आपके पास, बट अगेन इनके रूल्स होते हैं, आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डायरेक्टली वैसे यूज़ नहीं कर सकते, बट इसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर, राइट। तो हम आते हैं वापस इस सीन के अंदर। यहाँ पर मैं क्लिप्स को कर देता हूँ फिलहाल हाइड और इसको फिट कर लेते हैं। तो इस फुटेज के ऊपर भी मैं अगर यही लट अप्लाई करूँ, ये वैसे मेरे पास 65 वाली जो थी, इसको मैं यहाँ पर अप्लाई लट टू करंट नोड कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं इसने यहाँ पर क्या किया है, पूरा ब्लोन आउट हो गया। अभी है तो ये भी रेड की फुटेज, रेड का चलो नए वर्जन है, बट ये लट्स एकदम जैसे कि एक लट हर जगह पे अप्लाई नहीं होती, ये आपको दिखाना चाहता था मैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक लट बना ली टील एंड ऑरेंज की, आपकी जैसी मर्जी फुटेज आ रही है उसके ऊपर आप लगा देंगे उसको। उसका तरीका होता है काम करने का लट्स, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लट्स पे डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि एक ही लट हर जगह पे हर एक फुटेज पे सेम तरह से काम नहीं करेगी। अब इस केस में ये हो गया, बट वर्क अराउंड क्या है इसको ठीक करने का, मैं शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ और एक नोड पहले आ जा बना लेता हूँ इससे। तो ये मेरी लट अप्लाइड है और उससे पहले मैंने ये नोड लगा लिए। अब इस नोड के ऊपर मैं थोड़ी सी अपनी प्राइमरी एडजस्टमेंट करूँगा। यहाँ पे देख रहे हैं मेरा जो पूरा वेव फॉर्म है, ये हाईलाइट्स पूरी वहाँ पे ऊपर क्लिप हो रही हैं, तो मैं गेन को वापस लेके आता हूँ। अब देख रहे हैं मैं सारे की सारी वापस इन्फॉर्मेशन ला पा रहा हूँ बिकॉज ये रेड फुटेज है, बिकॉज वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन थी। तो देख रहे हैं मैं ये सारी हाईलाइट वापस ले आया हूँ, नीचे पूरा डार्क हो गया। यहाँ से इसको भी मैं ऊपर उठाऊंगा, देख रहे हैं नीचे से सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो ये रेड फुटेज का ये बेनिफिट रहता है, तो मैं इतनी भी लेकर के आ सकता हूँ, हालांकि इतनी मुझे नहीं चाहिए। और थोड़ा सा मैं गामा को नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा मैं और इसको हाईलाइट को नीचे लेके आता हूँ, थोड़ा सा इसको इतना कर लेते हैं। तो ये तो मैंने सेफ खेलने वाली बात की है, थोड़ी सी अब मैं देखता हूँ कि देखने में कितनी अच्छी लग रही है। मैं इसको यहाँ लिफ्ट को यहाँ तक रखूँगा और गेन को मैं इतना बढ़ाऊँगा, तो ये मुझे देखने में स्वीट स्पॉट लग रहा है। थोड़ा बहुत हम गामा को भी एडजस्ट करके देख सकते हैं, दिस इज़ लुकिंग नाइस। तो इस नोड पे मैंने क्या किया, ये देखिए ये हमारी पूरी लट लगने से पूरी इमेज ख़राब हो गई थी, लेकिन थोड़ी सी मैंने इसमें प्राइमरी छेड़ी और वही लट अब इतना अच्छा काम कर रही है, राइट। तो बिफोर एंड आफ्टर। अब एक और चीज़ थी इसके अंदर कि ऑलरेडी इतनी ब्राइट क्यों है, उसका रीज़न ये था कि मैंने इसको जो है, जैसे मैंने पिछली फुटेज को रॉ में कन्वर्ट किया था, इसको नहीं किया। तो मैं ये मैंने गलत किया एक स्टेप, तो मैं वापस से इसको राइट क्लिक करके रीसेट नोड क्रिएट करता हूँ। आपको दिखाता हूँ कि सही प्रोसेस क्या था। तो अगर आपकी ऑलरेडी कॉन्ट्रास्ट वाली इमेज है उसके ऊपर आप इस तरह से काम कर सकते हैं, बट अगर जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ रॉ वाले कैमरा रॉ के फीचर्स के अंदर, और अगेन इसको मैं क्लिप पे आ जाता हूँ, यहाँ पर IPP2 और रैक 709 कर लेते हैं, लॉग 3G10 कर लेते हैं। तो ये पूरी मैं यहाँ पर उसको बेसिकली फ्लैट पोजीशन पे लेके जा रहा हूँ, जिसके हिसाब से हमने लट बनाई थी बेसिकली, राइट। तो अब इस केस में अगर मैं यहाँ पर लट अप्लाई करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी उतना बुरा हाल नहीं हुआ जैसे पहले हो गया था। अब मैं शिफ्ट एस से अगेन वही एक प्रीवियस नोड बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं देख सकता हूँ यहाँ पर ऊपर मेरी जो है हाईलाइट, मैं इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर प्राइमरीज में आकर के मैं गेन को अब बढ़ाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक मैं गेन को पुश कर सकता हूँ। अब इस केस में मुझे ज़्यादा नहीं काम करना पड़ा प्राइमरी में, और डिटेल भी मेरी थोड़ी बेटर आई है पहले से, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पूरा कलर इन्फॉर्मेशन का, पूरा कलर स्पेस का इस्तेमाल किया है।
ठीक है। लिफ्ट को आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा पिक करना हो तो पिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको थोड़ा यहाँ पर मुझे लगता है ठीक है। तो इतना मैं इसे कर देता हूँ। अगर मैं इसे बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर हम थे और यहाँ पर हम आ गए। सिंपली मैंने एक लट जो किसी और फाइल पे बनाई थी उसको यहाँ अप्लाई किया और इतना हम यहाँ पर इस चीज़ के पास पहुँच गए। अब ये तो दोनों रेड फुटेज थी जिसके ऊपर हमने काम किया। इसको जूम इन करके भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ है, अगर मैं यहाँ पर 17 वाली जो है उसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो देखना उसमें डिफरेंस कितना आएगा। अब मुझे पता नहीं YouTube आपको कितना दिखा रहा है नहीं, बट यहाँ पर कुछ वॉर्म एरियाज़ के अंदर वही टील कलर आ गया है। अगर 65 पे आते हैं हम तो ये क्लीन हो गए हैं आपके जो हाइलाइट्स वगैरह थी ना। तो ज़्यादा अच्छी कलर इन्फॉर्मेशन सेव होती है जब ज़्यादा बड़ी ग्रिड हो। 33 बेस्ट वर्क करती है दोनों केस में। तो 17 और 65 दोनों की बजाय आप 33 लेके चलेंगे तो आपके मॉनिटर्स में भी अच्छी चलेगी और नॉर्मली भी आपके प्रोग्राम्स के अंदर बढ़िया परफॉर्म वो करेगी, राइट। अभी इसी लट को मैं एक बार आपको उसमें भी लगा के दिखा देता हूँ, प्रीमियर प्रो में। तो हम आ गए हैं प्रीमियर प्रो में और यहाँ पर भी मैं वही जो फुटेज थी रेड की मेरी उसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो रेड की फुटेज मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट कर ली है। ल्यूमेट्री में चलने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने रेड पे काम किया नहीं होगा। कई लोगों ने जिन्होंने काम किया भी है रेड पे, उनको भी कईयों को ये मालूम नहीं होगा कि रेड की फुटेज को आप यहाँ पर ऑलरेडी रॉ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये तो मेरी क्लिप है, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इफ़ेक्ट्स कंट्रोल जो हैं उसके अंदर मेरी सिंपल मोशन और ओपेसिटी यही ऑप्शन नज़र आ रही है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। बट अगर मैं ओरिजिनल क्लिप पे यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर अब इफेक्ट कंट्रोल में जाता हूँ ओरिजिनल क्लिप के, तो देख रहे हैं यहाँ पर कितनी सारी ऑप्शन आ गई हैं। बेसिकली पूरा रेड का जो रॉ कंट्रोल है, जैसा मैं डाविंची में आपको मैंने दिखाया था यहाँ पर ये वाला बटन के अंदर, वो चीज़ जो है आपको यहाँ पर प्रीमियर में मिल जाएगी। इवन बहुत ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी आपको उससे भी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये भी कैमरा फुटेज का यहाँ पर ऑलरेडी सेट कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही क्रेजी बात है। टिंट वगैरह ये सब कुछ जो है ये बाद की चीज़ें नहीं है, ये कैमरा फुटेज के ही मैं यहाँ पर कंट्रोल कर रहा हूँ। जो रॉ की जो मेरे पास पावर है उसको इतना मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अभी कुछ ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर जो है ओपन है, कुछ ऑप्शंस क्लोज्ड भी हैं। तो इमेज पाइपलाइन पे अगर मैं क्लिक करके यहाँ पर IPP2 करता हूँ तो ऑलरेडी एक तो ये इमेज ओपन हो गई है जैसे मैंने आपको बताया था, प्लस इसके साथ साथ में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी मेरी बदल गई हैं। सबसे नीचे ये आउटपुट ट्रांसफॉर्म की कुछ कैपेबिलिटीज़ मेरे पास आ गई हैं। इसके अंदर अगेन ये रेक 709 तो ठीक है, गामा कर्व में जाकर के लॉग 3G10 कर दूंगा तो ये मेरे पास बिल्कुल फ्लैट फुटेज आ जाएगी, राइट, इस टाइप की। और आप यहाँ पर जो है इवन ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ISO भी आप बदल सकते हैं। ISO जो आप शूट के टाइम पे कैमरा में सेट करते हैं उसको भी मैं बाद में चाहता हूँ कि ISO बढ़ाना है मुझे, तो मैं यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ 500 कर देता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ 6400 हो जाए। तो मैं ये जो चीज़ें मुझे कैमरा में शूटिंग के टाइम पे ध्यान रखनी होती हैं, रेड में इतनी आपके पास ऑप्शन है कि आप बाद में भी इन चीज़ों को छेड़ सकते हो। तो डेफिनेटली ही इसीलिए लोग ये रेड कैमरा वगैरह को प्रेफर करते हैं, क्योंकि डायनेमिक रेंज तो बहुत हाई है ही, बट रॉ कंट्रोल जो है आपकी गलतियाँ जो हैं आपकी उनको भी आप जो है सही कर सकते हो। बट अगेन इससे आपको ये चीज़ आप पता लगती है कि रेड कैमरा में शूट करना इज़ रिलेटिवली ईजियर, क्योंकि आप गलती करोगे भी, आप एक दो स्टॉप ऊपर नीचे शूट कर भी लोगे कोई बात नहीं, आप पोस्ट में उसको रिकवर कर सकते हो। यही चीज़ लेकिन जब आप अपने कैमरा में करोगे तो आपको पोस्ट में ये सब फ्रीडम नहीं मिलती, तो आपको वहीं पर एक्सपोजर आपका परफेक्टली सही सेट करना होता है। बट अगेन अगर आप वो सही सेट कर लेंगे तो आपकी फुटेज भी बहुत ही अच्छी नज़र आ सकती है, पोस्ट के अंदर उसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो टेक्निकली अगर आप साउंड हैं, अगर आपको बातें समझ में आती हैं ये टेक्निकल वाली, तो आप अपने जो है एक्सपोजर को सही सेट रखेंगे, अपने कलर बैलेंस को सही सेट रखेंगे, आपके ओरिजिनल फुटेज इतनी अच्छी बन के आएगी कि आपको ज़रूरत भी नहीं है रेड कैमरा की। आप जो है नॉर्मल लॉग कैमरा भी जो लॉग शूट करते हैं उनसे भी बहुत बढ़िया क्वालिटी की फुटेज आप निकाल सकते हो और उससे बहुत अच्छी कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, राइट। तो हमने इसको वैसे ही लॉग फॉर्मेट में ले गए, ये तो नहीं मैं मैच कर रहा हूँ जैसा कि मैंने वहाँ पर रिजॉल्व में किया था। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ल्यूमेट्री के अंदर जो है यहाँ पर मैं ब्राउज करता हूँ और लट मुझे यहाँ पर लगानी है, जो क्लास लट्स का फोल्डर है उसका पाथ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर 65 वाली मैं लट ओपन कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा ये एक सेकंड के लिए टाइम लेगा और ये वही लट यहाँ पर लगी हुई आ गई है, आप देख सकते हैं टील एंड ऑरेंज वाली जो हमने बनाई थी। अगर ल्यूमेट्री को मैं ऑन ऑफ करता हूँ, ठीक है,
यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर थी। तो सेम कलर ग्रेडिंग जो हमने DaVinci Resolve के अंदर की है उसको हमने LUT एक्सपोर्ट कर लिया और प्रीमियर के अंदर उसको इस तरह से अप्लाई कर पा रहे हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में जहाँ पर LUT अप्लाई कर सकते हो, After Effects हो, FCP हो, आप DaVinci से LUT बना करके ले जा सकते हो और वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो अभी इसको कर देते हैं बंद और चलते हैं वापस DaVinci Resolve में। तो आपने देखा कि कितना इजीली हम किसी भी और सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर के यहाँ से बनाई हुई LUT को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी बात रेड फुटेज की। अब हम अपनी जो नॉर्मल फुटेज हैं उनके ऊपर आते हैं। एक बार मैं क्लिप्स पे जाता हूँ और लाइक जैसे ये फुटेज थी हमारी, इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। अब इसके ऊपर भी मैं अगर सेम LUT अप्लाई करूँ, यहाँ पर मैं करके देखता हूँ, Alt S में प्रेस कर रहा हूँ नेक्स्ट एक नई नोड बनाने के लिए, और अब मैं यहाँ पर जो है 65 वाली ही कर लेते हैं। चलो अप्लाई LUT टू करंट नोड मैंने किया, तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी ये अप्लाई हो गई है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। थोड़ा सा इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं पिछली नोड जो है उसके ऊपर जा करके, और यहाँ पर थोड़ा सा आप अपना प्राइमरीज को अगर छेड़ेंगे थोड़ा, तो मेरे जैसे हाइलाइट्स ज़्यादा क्लिप हो गई हैं, इसको मैं थोड़ा वापस ले आता हूँ, ठीक है। और अब देख रहे हैं यहाँ पर बेंडिंग कितनी नज़र आ रही है, ये देख रहे हैं। तो ये फ़र्क है 8-bit फुटेज और जो है 10-bit 12-bit फुटेज का। तो जब आपके पास बिट डेप्थ ज़्यादा होती है तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कम प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जब आप LUT लगाते हैं तो LUT कई बार बड़े अच्छी क्वालिटी की हाई बिट रेट वाली वीडियोस के हिसाब से बनी होती हैं, जो कि हमारी वीडियोस पे आकर के फिर थोड़ा सा इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इस केस में मैं थोड़ा सा बढ़ा ही दूंगा वापस से गेन को, ताकि वो बेंडिंग मेरी ख़त्म हो जाए। और लिफ्ट में मैं देख सकता हूँ, लिफ्ट को थोड़ा उठा लेते हैं हल्का सा, क्योंकि लिफ्ट में कम कर रहा हूँ तो यहाँ पर फेस के ऊपर ज़्यादा वो आ रहे हैं मेरे पास स्पेकल्स से। थोड़ा मेरे को स्मूद आउट करने के लिए हल्का सा यहाँ पर इतना उठा लेता हूँ। ये भी मतलब बढ़िया है, टील एंड ऑरेंज इसके अंदर आ गया है, सिंपली वही LUT हमने लगा दी। तो अब इस केस में चल गई बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। ये केस हम देख लेते हैं, ये जो ये वाला भी हमने किया था, इसमें भी हम एक बार इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई LUT। इस केस में ये सारा ओवरबर्न हो गया, तो मुझे Shift S प्रेस करके एक नई नोड में लगाऊंगा, और अगेन इसमें मैं थोड़ा सा गेन वापस लाना पड़ेगा मुझे। अब इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है ये हमने ड्रैग करके वापस लिया हम, और थोड़ा सा इसको ऐसे पिक कर लेते हैं मे बी। तो लिफ्ट गामा गेन्स को ही मैंने छेड़ा है, थोड़ा सा यहाँ पर वेवफॉर्म अपना देखते रहना क्या चीज़ें कहाँ पर लाई कर रही हैं। तो ये LUT से पैसे ऐसे ख़राब हो गया था, थोड़ा लिफ्ट गामा गेन से मैंने छेड़ करके देख रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन। अब इनफैक्ट ये देखिए, आपको क्लोजअप देखिए, जब मैंने LUT लगाई तो पूरा ये जो मेरा समंदर वाला एरिया था पूरा का पूरा ये ख़त्म ही हो गया था उस LUT की वजह से, लेकिन लिफ्ट गामा गेन लगा करके मैं सारी इन्फॉर्मेशन वापस ले आऊँ ये समंदर वाली, ठीक है, जो वॉश आउट हो गई थी, राइट। और इस तरह से आपका जो है बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो सेम LUT जो किसी और फुटेज पे किसी और सेटिंग्स के हिसाब से बनी थी उसको मैं डिफरेंट फुटेज के ऊपर 8-bit वैल्यू के ऊपर भी लेकर के आ रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अप्लाई करके उनको कंट्रोल में यहाँ पे कर रहा हूँ। तो LUT इज़ नॉट ड्रैग ड्रॉप कि आपने बस बनाई डाली और काम हो गया, ठीक है। LUT आप लगाएंगे कहीं पर भी, उसके बाद थोड़ा बहुत आपको ट्विकिंग करनी पड़ सकती है, और वो ट्विकिंग करने के लिए आपको आना चाहिए पूरा कलर ग्रेडिंग का जो है प्रोसेस क्या होता है समझना चाहिए वो। इसलिए मैंने LUT की क्लास बाद में रखी, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि बच्चों को बस ये आजकल बहुत हो गया कि सर फिल्टर दे दो, सर LUT दे दो, बस उठा के ड्रैग ड्रॉप करें चीज़ें और मतलब काम ना करना पड़े कुछ भी, ठीक है। ये इंस्टाग्राम वगैरह की वजह से सबको लगता है कि एडिटिंग और ये ग्रेडिंग वगैरह सब बस चुटकियों में होने वाली चीज़ें हैं और मेहनत तो कुछ करनी नहीं है, उठा उठा के सामान बना बनाया डाला और चलो जी आगे चलें, ठीक है, वो आपका पर्पस सॉल्व कर देगा। बट अगर आप क्रिएटिवली इस फील्ड के अंदर हैं और आप इसको सिर्फ अपने मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि एज ए प्रोफेशन देखते हैं कि आपने इसके अंदर काम करना है आगे, आपने एडिटिंग में या कलर ग्रेडिंग में इनमें आगे इसको एज ए प्रोफेशन लेके चलना है, इससे आपने अर्न करना है, तो आपको ये पूरा प्रोसेस आना चाहिए, पूरी नॉलेज उसके बारे में डिटेल होनी चाहिए, राइट। किसी और एक आधे पे और देख लेते हैं एग्जांपल, इस फुटेज पे ट्राई कर लेते हैं। तो ये काफ़ी बुरी फुटेज थी, इसके ऊपर एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इसको मैं नई एक नोड लगाता हूँ और इसके ऊपर मैं यही अप्लाई करता हूँ। तो ये देख रहे हैं पूरा का पूरा इसमें इसमें पूरे ख़राब हो गया। तो यहाँ पर Alt S, इस जगह पर आकर के अगेन मैं गेन जो है अपना उसको ये बहुत इसमें देखें इसमें गेन बिल्कुल कम था तो इसको मुझे उठाना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं ऑफसेट से उठाता हूँ, थोड़ा लिफ्ट को भी मुझे उठाना पड़ेगा, इसमें लिफ्ट पूरी दब गई है मेरी। गेन को वापस नीचे ले आते हैं। तो हर इमेज का सेम प्रोसेस नहीं रहता, अलग अलग इमेज पे अलग अलग तरह से ये चीज़ काम करती है।
मिड टोन्स राइट। तो यहाँ पर ये इस तरह से इसने काम किया, लट के साथ ये हुआ था और थोड़ा मैंने इसे कंट्रोल कर लिया। बट अगेन इस एग्जांपल पे लट परफेक्ट नहीं थी, तो ये लट मैं यहाँ पर अवॉइड ही कर सकता हूँ ऑल टुगेदर। ठीक है, इतना अच्छा परफॉर्म इसने नहीं किया। हालांकि इसके ऊपर मैं और मेहनत करूँगा तो थोड़ा बहुत मैं इसको निकाल करके ला सकता हूँ। उसके अलावा ये फुटेज थी हमारी एक, इस पर भी ट्राई करके देखते हैं। अप्लाई लट और ये हो गया इससे ऑल्ट एस, सॉरी शिफ्ट एस प्रेस करके एक प्रीवियस नोड बनाऊंगा। यहाँ पर मैं गेन पूरा देख रहे हैं, यहाँ पर वेव फॉर्म में बाहर जा चुका है ऊपर सारा, तो इसको वापस लेके आएंगे यहाँ तक। और लिफ्ट भी नीचे चला गया इसको थोड़ा सा, इसको भी वापस लाएंगे, ज़्यादा वापस नहीं लाना इसको। ज़रूरी नहीं है कि आपको वेव फॉर्म को जस्टिफाई करना है। अब वेव फॉर्म में तो मैं इसको निकालता रहा हूँ तो अब मेरी इन्फॉर्मेशन आई है रेड की बाहर, बट ऊपर देख रहे हैं क्या हो गया। तो मुझे इसको इतना नीचे लाना है कि विजुअली भी ये ठीक नज़र आए। राइट, गामा को थोड़ा सा चेक करते हैं, गेन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो ये लट लगाने से ऐसा था, और थोड़ा सा मैं इसको लिफ्ट गामा गेन से यहाँ पर ले आऊँ, और बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, और भी इसके अंदर भी काम किया जा सकता है। तो डेफिनेटली आपको बस ये प्रोसेस मुझे समझाना था कि कैसे आप जो है सेम, मैंने यहाँ पर जो बनाया था एक ही लट, उसको अलग अलग सिनेरियोज के अंदर कैसे कैसे मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सेम टील एंड ऑरेंज एक जो बनाया उसको हर जगह हमने अप्लाई कर दिया। तो ये जो लट मैंने बनाई है, इसको भी मैं आपको जो है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, डाउनलोड कर लीजिएगा आप और इसको आप यूज़ करके देख सकते हैं टेस्टिंग के लिए। बाकी आपको और भी मैं एक आधी चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे ये फुटेज हमारी यहाँ पर है। एक बार मैं वापस से एडिट पेज में जाता हूँ, इसको भी मैं दो में कट कर लेता हूँ बेसिकली। यहाँ पर कलर पेज में आते हैं अब, और सेकंड क्लिप पे मैं हूँ। इस क्लिप पे मैं मान लीजिए यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने ये ग्रेड यहाँ से हटा दिया है, मेरी रॉ फुटेज पे मैं आ गया हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ, मेरे पास रेड की क्रिएटिव सूट इनका आता है उसकी यहाँ पर लट्स पड़ी हुई हैं, तो ये एक बार यहाँ पर लगा के देखते हैं क्रिएटिव में। देख रहे हैं अलग अलग टाइप की जो है इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर कुछ मेरे पास इनकी रेक 709 कन्वर्जन है, तो ये रेड की वेबसाइट से यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे सबके थंबनेल पे देख रहा हूँ किस किस तरह का यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये रेड की अलग अलग लट्स आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी मैं आपको लिंक दिखा दूँगा। अगर मैं IPP2 में जाता हूँ, इसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट भी बड़ी अच्छी लट्स जिस तरह की हैं ये। बट अगेन वही चीज़ है, जो भी कुछ लट्स के अंदर हो रहा है वो बेसिकली आपको प्रोसेस मैंने हर एक का सारा समझा ही दिया पिछली सारी क्लासेस के अंदर, तो आप खुद भी वो सारे काम कर सकते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली लट्स टाइम सेविंग है। अगर जैसे मैंने आपको अभी बना के दिखाई टील एंड ऑरेंज, उसको आप ड्रैग ड्रॉप करें और उसके साथ में थोड़ी सी आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, एक नोड पहले लगा के थोड़ा लिफ्ट गामा गेन से कंट्रोल कर लें, तो आपका आगे का जो कलर प्रोसेसिंग का टाइम है वो सारा बच जाएगा। राइट, तो रेक 709 में जैसे कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है Log3, एक बार यहाँ पर लगा के देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेनबो की इन्फॉर्मेशन कितनी इंटैक्ट है, क्योंकि इन्होंने कलर्स बेसिकली रेक 709 के कन्वर्जन है बेसिकली, कि आपकी रॉ ऐसी दिख रही थी, अब रेक 709 में इस तरह के ये ओरिजिनली कलर ऐसे होने चाहिए थे। ठीक है, ये जितनी पुश कर सकते थे इमेज को उतना पुश कर दिया है। वेव फॉर्म देखिएगा बिफोर, रॉ में ये पूरी वेव फॉर्म जो है नीचे यहाँ पर है, और ये लट लगते ही पूरी उसको अच्छे से एक्सपेंड कर दिया इसने। इसके बाद आप आगे जाके कलर पे काम करेंगे कि जी यहाँ पर जो है मुझे ज़्यादा ग्रीन नज़र आ रहा है, तो मैं जो है वॉर्पर पे आके, और ये जो यहाँ से इसमें थोड़ा सा इसमें से मैं ग्रीन कम करने जाता हूँ, थोड़ा सा मैं रेड की तरफ ले जाऊँ इसको। ठीक है, अब इधर रेड ज़्यादा लग रहा है, या फिर इधर से थोड़ा सा हल्का रेड की तरफ ले जाएं। ठीक है, या फिर येलो की तरफ ले जाएं, या पूरा ग्रीन कर दें। तो ये जो फाइनल कंट्रोल है ये आप बाद में अटेन कर सकते हैं।
मेनली रेक 709 का लॉजिक ये होता है कि आपको जो है एक पुश्ड आउट जितनी पुश की जा सकती है क्लीनेस्ट इमेज आपको यहाँ पर दे देता है, ठीक है। अब हमारे केस में क्या था, अगर हमारे वाले में देखें तो देखिए कितना डिफरेंस है। ये एक क्लीन रेक 709 इमेज है जो ओरिजिनली जैसे कलर होने चाहिए थे वैसे दिखा रही है, और ये एक पुश्ड इमेज है सिनेमैटिक लुक के लिए। तो सिनेमैटिकली अगर हम कोई फिल्म वगैरह की बात करते हैं तो उसमें इस तरह की जो है लुक एंड फील इस तरह की आ रही होती है, तो ये कलर्स हमने सिनेमैटिकली चेंज किए हुए हैं। इनफैक्ट आप देखें तो रेनबो रहा ही नहीं है, ठीक है, वो भी पूरा ब्लू के अंदर जा चुका है। बट अगेन ये है कलर करेक्टेड चीज़ और ये है कलर ग्रेडेड चीज़। तो ग्रेडिंग में ये होता है हम मूड सेट करते हैं, तो मूड सेट करने के लिए हम कलर्स के हाथ में जो है छेड़खानी करके उसको बदल देते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ग्रीन ग्रास थी, वो ग्रास भी यहाँ पर आपको जैसे इसमें नज़र आ रही है, इसमें उतनी हाईलाइट नहीं है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। मोस्टली एम्फेसिस इसमें टील एंड ऑरेंज के ऊपर ही है सारा का सारा, ठीक है, बिफोर आफ्टर, और इस केस में बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो ये रेड की यहाँ पर लट्स हैं, कुछ यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फिल्म लुक्स जैसे यहाँ पड़ी हुई हैं, तो ये भी कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलते हैं। अगर मैं आपके यहाँ पर एक और नहीं लेकर के इसमें यहाँ पर एक फिल्म लट लगा देता हूँ, तो जैसे ही मैंने फिल्म लट लगाई यहाँ देख रहे हैं पूरा का पूरा ये और फिर काला हो गया सारा कुछ। तो बेसिकली मैं वही यहाँ पर गेन जो है इसको बढ़ाऊँगा, थोड़ा गामा को, थोड़ा लिफ्ट को निकालूँगा, ज़्यादा लिफ्ट चला गया उसमें, राइट। और जो ये जो मेरी फिल्म लट थी इसको मैं 100% पे इस्तेमाल करने के बजाय यहाँ पर की पर जा करके इसकी आउटपुट जो उसको मैं थोड़ा सा हाफ़ पे रख लेता हूँ, मान लीजिए 0.5 पे मैं कर लेता हूँ, और अपने लिफ्ट गामा गेन को अगेन उसके हिसाब से फिर से ट्वीक करता हूँ। तो ये जो ये फिल्म लट है इसने बेसिकली थोड़ा सा फिल्म एमुलेशन की क्वालिटी दे देती है, थोड़ा ग्रेन वगैरह फिल्म के इस टाइप की चीज़ें थोड़ी सी ऐड कर देती है, राइट। तो वैसे ग्रेन आप अलग से भी डाल सकते हो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, लेकिन थोड़ी कलर सेपरेशन और बेटर हो गई है इसके साथ में कह सकते हैं आप, ठीक है। अगेन डिपेंड्स आपका क्या टेस्ट है, आप किस तरह की लुक अचीव करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली लट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, बट अगेन लट्स पे डिपेंडेंट मत रहिए कि जो भी काम करना है सिर्फ लट्स से ही करना है मुझे, ठीक है। लट्स आपके स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाने के काम आ जाती है, क्योंकि आपको वेरियस स्टेप्स जो हैं जो पहले करने थे वो नहीं करने पड़ेंगे, बट हर केस में आपकी हर फुटेज अलग होगी और डिफरेंट टाइप की जो है उसके ऊपर कलर ट्रीटमेंट आपको चाहिए होगी। तो बेटर है कि आप पूरा प्रोसेस सीखें और उसके बाद में अपनी खुद की भी लट्स बना सकते हैं, मैं भी लट्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूं आगे, अगर आपको चाहिए तो बताना, मैं बेसिकली लट्स के ऊपर काम कर लूँगा, मैं भी पैक वगैरह बना दूंगा। बट अगेन लट्स भी आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपको कलर प्रोसेस की नॉलेज होगी, जो ग्रेडिंग प्रोसेस है उसकी नॉलेज होगी, तभी आप लट्स को मैक्सिमम बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इस क्लास से सीखने को मिला होगा, और प्रैक्टिस कीजिए। ये फुटेज वगैरह के लिंक मैं दे दूंगा रेड वाली के भी डाउनलोड करने के लिए, और जो मैंने रेड का क्रिएटिव प्लैक बताया है लट का, वो भी आप यहाँ से जो है रेड क्रिएटिव लट किट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखना हो तो इसके भी मैं तीनों के मैं लिंक्स यहाँ पर दे दूंगा आपको, जो भी फुटेज मैंने दोनों यूज़ किए हैं और ये क्रिएटिव पैक जो है इसका भी, राइट। और जो ये टील एंड ऑरेंज लुक मैंने यहाँ पर बनाई है क्लास में, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके और ये फुटेज वगैरह डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आज हमने क्लास में सीखा है उसकी प्रैक्टिस करने से आपको डेफिनेटली इस टॉपिक के ऊपर और होल्ड आ जाएगा और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ ही आपकी कंप्लीट हो गई है कलर ग्रेडिंग, कलर पेज के अंदर सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, लट्स भी आ गई हैं, आपको कर्व्स के बारे में पता है, आपको कलर वॉर्पर के बारे में पता है, प्राइमरीज क्या होती हैं, सब चीज़ें आपने सीख ली हैं, क्वालीफायर कैसे काम करते हैं, अब आप कलर ग्रेडिंग एक्सपर्ट बन चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूजन के बारे में, और अब आप प्रिपेयर्ड हैं, नोड स्ट्रक्चर आपको इतना समझ में आ गया कि अब आप प्रिपेयर्ड हैं कि फ्यूजन के अंदर किस तरह से नोड काम करते हैं उसको आप इजीली समझ पाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ दिए हुए हैं कहीं पर, इधर लेफ्ट या राइट में कहीं दिए होंगे, तो उसको जाकर के मेरे इंस्टा को फॉलो कीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना हो इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कीजिए, फुटेज वहाँ पर मैंने डाली हुई है और भी डाल रहा हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक पर लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राखियों से नमस्कार।